ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। एक हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बगौर समात करें। हर कदम के इवज एक साल के रोज़ों का सवाब। तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस नंबर 496 पर मज़कूर है, हज़रत औस बिन औस रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन नहलाए और नहाए, जल्दी आए और जल्दी काम करे, पैदल आए सवार ना हो, इमाम के करीब बैठे और कान लगाकर सुने, कोई लगव काम ना करे, तो उसे हर कदम के इवज़ एक साल के रोज़ों और शब बेदारियों का सवाब मिलेगा। इस हदीस की तशरी समात करें। हदीस में ज़िक्र हुआ नहाए और नहलाए, इससे मुराद ये है कि अगर बीवी से सोहबत की है तो बीवी भी गुस्ल करे और शौहर भी गुस्ल करे और फिर जुमा पढ़े। जुमा से पहले जो काम करने हैं वो कर ले और जैसे ही जुमा की पहली अदान हो मस्जिद की तरफ चल पड़े। पैदल चलकर जाना एक आजिज़ी की अलामत है। दूसरा, जितने कदम चलेगा उतना सवाब मिलेगा। जब आगे जगह हो तो पिछली सफ़ों में ना बैठे बल्कि इमाम के करीब बैठे, कि इससे अव्वल सफ़ों में नमाज पढ़ने का भी मौका मिलेगा और बात सही समझ आएगी। मस्जिद में शोर शराबा ना करे, तवज्जो से बयान सुने। दौरान खुतबा कोई बात ना करे, इधर उधर ना देखे, तवज्जो से खुतबा सुने। तो मोहतरम सामीन किराम, ये थी एक हदीस पाक जो आपके सामने पेश हुई, जुमा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सब बातें ज़िक्र हुई, तो इन बातों पर अमल करें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला हर कदम के इवज़ एक साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।